सवाल है जी कि why are dogs not allowed in Islam? ऐसी कोई बात नहीं है. लोग कुरान मजीद बिल्कुल नहीं पढ़ते. सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि जब तुम अपने कुत्ते को सिधा लेते हो, और ये फरमाया है कि ये सिधाने का जो इल्म है ये मैंने तुम्हें दिया है, जब तुम इस कुत्ते को सिधा लेते हो तो तुम शिकार करने के लिए अगर उसको छोड़ोगे तो उस पर मेरा नाम लेके छोड़ दो, उसका किया हुआ शिकार ज़बह किए बगैर जायज़ हो जाएगा. ये सिधाए हुए कुत्ते का शरफ है. तो मुझे ये बताइए कि ये सिधाया हुआ कुत्ता जो है, रखेंगे नहीं तो आसमान से कोई सिधा के भेज देगा आपके पास. रखवाली के लिए भी कुत्ते रखे जाते हैं. कुरान मजीद जिन चंद लोगों के लिए एक गैर मामूली मुजज़ा सादिर हुआ, असहाब काफ उनका जिक्र करता है, उनकी दास्तान सुनाता है. आप जानते हैं कि उसको कैसे बयान करता है? ये बयान करता है कि जब वो गार में जाके सो गए तो कल्बुहुम बासितुन ज़राया है बिलबसीद, उनका कुत्ता बाहर अपने दोनों बाजू फैलाए हुए बैठा हुआ था. तो इस वजह से अज़राए करम अब कुत्तों की मजम्मत करना बंद कर दें. लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी तारीफ की है और मुकल्लबीन का लफ्ज़ इख्तियार किया है. कल्ब कुत्ते को कहते हैं, और ये कहा है कि उनका किया हुआ शिकार अगर वो फाड़ दें और अल्लाह का नाम लेके उनको छोड़ा हो तो वो बिल्कुल जायज़ होता है. महज पेट के तौर पे भी, यानी अगर रखवाली ना करनी हो, शिकार ना करना हो, महज पेट रखना हो. मैं तो ये कुछ शिकार करने के लिए जब कुत्ते की तारीफ कर दी, या साबे काब शिकार करने तो नहीं निकले थे? वो रखवाली कर रहा था जी भाई. तो आप भी अपने पेट से कहा करेंगे मियाँ थोड़ी सी रखवाली भी कर लो ताकि जायज हो जाए. ये सवाल है जी. यानी मैंने आपको बताया है कि दीन के मामले में जब कोई बात करनी हो तो उसको किसी मुस्तनद बुनियाद पर करना चाहिए. कुरान मजीद ने इस तरीके से बयान करता है. और अरबों के यहाँ कौन था जो कुत्ते नहीं रखता था? चरवाहों के लिए मुमकिन नहीं होता कि वह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाएं, लाजमन कुत्ते रखेंगे. और जब आप उनको रखते हैं तो वो आपके पालतू ही होते हैं, पेट ही होते हैं. उनसे आप मोहब्बत भी करते हैं, उनको आप नहलाते धुलाते भी हैं, ये सब मामलात करते हैं. बास स्ट्रे डॉग्स के बारे में कुछ मदीने में सफाई के लिहाज से इकदाम किए गए, उनको लोगों ने मौजू बनाकर कुत्तों के खिलाफ मुहिम चला दी.